कल दो बहनें सगी बहनें अगवा की गई, परसों अगवा की गई थी, जिनका नाम है शांति और सरमी मेघवाद। ये उमर गांव है वहाँ पे छछर तहसील के अंदर, जो कि सिंध की है, और इनको अबदीन अनवर और साले अनहड़ ने, दो जो मुस्लिम युवा हैं, इन्होंने अगवा करके इनके बारे में बच्चियों के पता नहीं चल पाया। और कल से इनके पिताजी जो है प्रदर्शन पर हैं और वहाँ पे चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनकी बच्चियों को वापस नहीं दिला रहा। इसी दौरान कल रात को मुझे एक फ़ोन आया और उसने बताया कि मेरी बेटी भी अगवा कर ली गई है। वो बच्ची का नाम है मेहक कुमारी, जो जुकाबाद जो पाकिस्तान का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से अगवा की गई, और अली रज़ा नामक 28 साल के गुंडे ने अगवा की, जिसकी पहले से दो शादियाँ हुई हैं। और उसके पिता को फ़ोन करके बताता है कि तेरी बेटियों का मैंने तेरी बेटी का बलात्कार कर दिया है, आई रेप्ड योर डॉटर, अब उसको तू वापस देने की उम्मीद मत करना। और SP उनको ये बोलता है कि आप 4 दिन बाद आ जाना, तेरी बेटी हम वापस दिलवा देंगे। अब ये देखिए कि पिछले खाली एक महीने में, पिछले दो महीनों में ये 50 लड़कियां हैं जो पिछले दो महीनों में अगवा की गई, और ये जो 6 लड़कियां हैं पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर, नेहा कसवानी, सकीना, हुमा यूनस, सबीरा, शांति, सरमी और महक, ये पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर 6 लड़कियों का अगवा करके, और ये वो नाम है जो मेरे को जानकारी है, क्योंकि वो लोग मुझे, इसके अलावा कितने और नाम होंगे जिनकी हमें जानकारी भी नहीं है। ऐसा तशद्दद जो हो रही है उसके ऊपर देश की सरकार को चिंता करनी चाहिए। मैंने विदेश मंत्रालय में भी और गृह मंत्रालय में भी और विदेश मंत्रालय में बातचीत की है और उनको कहा है कि इमीडिएटली आज पाकिस्तान के हाई कमीशन को समन करें और इन बेटियों को वापस दिलवाएं।